Assalamu alaikum students, welcome to grade 7. I am your English teacher. Now today we will start the reading of chapter number 1 from your English book Oxford Reading Circle. Now let's start our reading. Chapter number 1, page number 9, The Secret of Sea View Cottage. "Is not wonderful," cried Jimmy Wrights as he followed his comrades of the Castle Patrol into the teeny cottage standing a few yards from the desert beach. I wound if we shall find any treasure buried under the floorboards." Hey, cried Mr. Millman, the wealthy scoutmaster of the troop of sea scouts, letting your imagination run wild, Jimmy, the youngest member of the patrol band, read. "I was just wondering, sir," he said lamely. The scoutmaster patted the boy on the back. "I will start soon," he said, "and I am sure you are all as hungry as I am after the voyage." "Yes, sir," cried the scouts, and then began a general forage round of the stores and cooking pots and all later the boys. Now I explain the chapter in Urdu. So please listen carefully. Let's start this. Explain the chapter in Urdu. I explain the page number 9 in Urdu. इस पेज पर बताया जा रहा है कि ये एक हैरत अंगेज जो है वो ये एक हैरत अंगेज बात है. चाइना जिमी राइट्स ने को पुकारा और उसने सी व्यू साइड के समंदर के किनारे पर चंद छोटे बड़े कॉटेज थे और उस एक वीरान जगह पर एक छोटे बड़े कॉटेज थे जहाँ पर एक स्काउट मास्टर जो है वो अपने स्काउट्स को जो है वो छुट्टियों पे वन मंथ की हॉलीडेज पर लेकर आया है. ठीक है, वो सब वहाँ बैठे हुए बातें कर रहे हैं. तो वो स्काउट मास्टर उनसे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम लोगों को इस वक्त भूख लग रही होगी, तो चलो मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम करता हूँ. वो खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए चला गया. नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सप्लेन द चैप्टर पेज नंबर 11 इन उर्दू. पेज नंबर 11 में आपको बताया जा रहा है कि मिस्टर मिलमैन जो है वो जब वो किचन में जाके उसने पॉट्स वगैरह चेक किए खाना पकाने के लिए, वो उसने खाना पका कर खाना रेडी करके अपने स्काउट्स के लिए लेकर आया और वो अपने बचपन की कहानियाँ जो है वो स्काउट्स को बता रहा था कि यहाँ पर मैं और मेरा भाई जो है वो घूमा करते थे इस कॉटेज में और हमें लगता था कि यहाँ पर कोई भूत रहते हैं. तो जिमी और उसके दोस्त ने कहा कि चलो हम जो है जाकर इस कॉटेज के बारे में मालूमात करते हैं, अंदर जाकर उसको कॉटेज को जाकर देखते हैं और उस कॉटेज के बारे में मालूमात हासिल करते हैं. जिमी और उसका दोस्त जो है वो कॉटेज में अंदर चले गए और बाकी सब जो है वो अपनी मिडिल गोल दायरा बनाकर बैठे हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं. नाउ आई एक्सप्लेन पेज नंबर ट्वेल्व में आपको बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है वो बहादुरी से जवाब दिया. जिमी जो है वो सीढ़ियों की तरफ चला गया और उसके दोस्त जो है वो अचानक से उनको आवाज़ आई चीखने की. वो चीखते हुए बाहर की तरफ आए और उन्होंने उनसे कहा कि हमें लगता है कि अंदर भूत है. बाप ने सर हिलाते हुए कहा कि नहीं, हमें लगता है कि जैसे हमारे पीछे अंदर कॉटेज में कोई भूत था. तो स्काउट मास्टर ने पूछा कि जिमी कहाँ है. बॉब ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता था कि वो शायद मेरे पीछे है लेकिन वो मेरे पीछे नहीं है. तो स्काउट मास्टर ने कहा कि चलो हमें जिमी को ढूंढना चाहिए, हमें जिमी को ढूंढने के लिए अंदर जाना चाहिए. वो आप सब लोग मेरे साथ आओ. सब जो है वो स्काउट मास्टर के साथ अंदर चले गए. उन्होंने बारी बारी तमाम बेडरूम्स को देखा जो कि खाली थे, वहाँ पर जिमी नज़र नहीं आया. अचानक बावर्ची खाने के ऊपर वाला जो कमरा है वहाँ से जिमी की आवाज़ आई. वो सब ऊपर कमरे में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जिमी हटन अलमारी से झाँक रहा है. उन्होंने फ्लैश लाइट जला के देखा तो जिमी ने चेक कर कहा कि सर यहाँ पर एक दरवाज़ा है लेकिन इसके पीछे कुछ भी नहीं है. उन्होंने अपनी फ्लैश लाइट जला कर उस दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस वह कुछ दरवाज़ा था. वो सब लोग अपनी जो कैस्टल पेट्रोल के जो लड़के थे वो खुशी खुशी जो है वो दरवाजे के अंदर गए. उन्हें अच्छा लग रहा था कि उनका इस हॉलीडे का जो फर्स्ट डे था वो उनको एक एडवेंचर मिल रहा था करने के लिए. तो वो वन बाय वन जो है वो उस दरवाजे से अंदर चलते चले गए और खुशी से उनके दिल जो है वो धड़क रहे थे. और
वो जो है अपने छुट्टी के दिन के एडवेंचर को बहुत ज़्यादा, छुट्टी के पहले दिन के एडवेंचर को बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा था उन्हें, कि छुट्टी के पहले दिन ही उनको इतना अच्छा एडवेंचर मिल गया। उन्हें मालूम था कि वो जब अंदर गए तो उन्हें पता चला कि वहाँ पर वो एक सुरंग है, तो वो बिल्कुल देखते हुए ध्यान से उस सुरंग के अंदर दाखिल हुए ताकि वो किसी हादसे का शिकार ना हो। नाउ नाउ आई एक्सप्लेन द पेज नंबर 13 इन उर्दू। वो छोटी छोटी लाइट्स जो है उससे रोशनी करते हुए सुरंग के अंदर दाखिल हुए, खामोशी के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। अचानक स्काउट मास्टर ने चीख कर उन्हें रोक दिया और लड़के जो है वो तेज़ी से उनकी तरफ आए और उन्होंने अचानक उन्हें ये देखने के लिए कि उन्होंने अचानक उन्हें क्यों रोका और उन्हें रोकने की वजह पूछी। यहाँ सुरंग में होते हुए वो उन्होंने कहा कि ये सुरंग लगता है कि इस जो कॉटेज है उसके मालिक की है, उसने ये सुरंग जो बनाई हुई है उसने इसको। स्काउट मास्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि ये सुरंग जो है वो किसी स्मगलरों के इस्तेमाल में है, स्मगलरों ने जो है वो अपना असला छुपाने के लिए इस सुरंग को बनाया है। नाउ आई एक्सप्लेन पेज नंबर 14। नाउ आई एक्सप्लेन पेज नंबर 14। वो जो है उन्होंने सबने जो है अपनी गर्दन हिलाते हुए वो आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि आपके ख्याल में कि स्मगलरों ने जो है यहाँ पर क्यों जो है ये जो है टनल में रखा हुआ था। उन्होंने बाबा ने सरगोशी की कि उसके साइज के बारे में स्काउट ने बताया कि मुझे लगता है कि 1,000 पाउंड की मकदार में यहाँ पर कुछ सामान रखा गया है। स्मगलरों ने इसलिए इस टनल इस्तेमाल की कि ये महफूज जगह है उनका असला छुपाने के लिए। बाब ने जवल ने बाब के कान में सरगोशी की कि ये कितना सनसनी खेज है। फिर उसने तवक्कुफ़ से कहा, लेकिन जिमी के बारे में क्या ख्याल है? अगर वो यहाँ से चला गया तो यहाँ अगर वो यहाँ पर चला आ गया तो यहाँ पर स्मगलर मौजूद हैं तो वो उसके लिए ख़तरा होगा। हमें जो है जल्द अज जल्द जिमी को ढूंढना होगा। स्काउट मास्टर ने सर उठाया और जॉफ की तरफ देखा और कहा कि तुम सही कह रहे हो जैक, हमें एक साथ ही आगे बढ़ना चाहिए और अपने राज ना खुलने के, वो स्मगलर जो है वो अपने राज ना खुलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मिल मैन ने एकदम से बोलना छोड़ दिया। अचानक सुरंग में से आवाज़ आई कि जल्दी से इधर आओ यल, यहाँ मुझे एक ख़जाना और ढांचा नज़र आ रहा है। उसने आवाज़ दी कि यहाँ जल्दी से आओ, यहाँ पर मुझे एक ख़जाना नज़र आ रहा है। जब सब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत से सोने चांदी के जेवरात हैं जो कि मिट्टी और चूने से अटे हुए हैं और वहाँ उसके ऊपर एक जो है वो ढांचा रखा हुआ है और वो सब जो है सोने और चांदी के जेवरात देखकर हैरान रह गए। नाउ आई एक्सप्लेन पेज नंबर 16 इन उर्दू। ये नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने स्केल्टन को छुए बगैर जो है उस सोने चांदी के जेवरात का मुशाहिदा किया और उन्होंने कहा कि जिमी राइट, उन्होंने कहा कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए, हम आगे बढ़कर देख सकते हैं। कि उन्होंने अपनी टॉर्च, उन्होंने क्या किया, अपने टॉर्च को जो है वो आगे की तरफ बढ़ाया और बाकी सब लोगों ने अपनी टॉर्च जो है वो बंद कर दी और सब उन्हीं की पैरवी करते हुए आगे चले। उन्होंने उस तरह सब कैस्टल की रहनुमाई में टनल में आगे बढ़ने लगे। ये एक अजीब और सख्त तजर्बा था। लड़कों में से किसी को भी अफसोस नहीं हो रहा था। जब वो आखिर में ओपनेस्ट एरिया के सामने आया तो वहाँ पर जब वो टनल में से निकले तो वहाँ पर एक पुरसकून और खाली रेत से भरे टीलों के दरमियान 100-200 गज के पानी के किनारे थे। और अब वो डेविड ने सरगोशी की कि वहाँ पर मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर शायद कोई भी नहीं है, लेकिन उन्हें लगा कि यहाँ पर स्मगलर हैं। तो उन्होंने स्मगलर को ढूंढने के लिए झाड़ियों का रास्ता अख्तियार किया और वो उसके पीछे पीछे आगे की तरफ बढ़ते गए खामोशी के साथ। नाउ आई एक्सप्लेन पेज नंबर 17। उनके ख्याल में था कि जिमी ने एक स्टोरी बनाई हुई है कि इस जगह पर जो है वो भूत हैं, लेकिन मिस्टर मिलमैन ने जो है वो ऐसी बात पर यकीन नहीं रखते थे। उन्होंने अपने स्काउट जो है स्काउट से कहा कि ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने अपने स्काउट्स को ये कॉटेज का जो मसला है उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने उनकी रहनुमाई की और उन्होंने स्काउट्स का पीछे वो स्मगलर्स का पीछा करते करते वो एक साइले समंदर पर आ गए, एक बोट पर आ गए। उन्होंने वहाँ पर स्मगलर्स देखे, उनको पकड़ा, उनको बांधा और उनको बांधकर उनके मुंह पे कपड़ा डाल के उनको रख दिया। नाउ आई एक्सप्लेन द पेज नंबर 19। उन्होंने स्मगलर्स को वो नाउ एक्सप्लेन द पेज नंबर 19 इन उर्दू।
उन्होंने जो है स्काउट मास्टर की शाना बशाना होकर उन्होंने स्मगलर्स को पकड़ा, उनको जो है उनका मुंह बांधकर उनको बांध के रखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अच्छा वहाँ मक पर आ गए। वो पुलिस बहुत खुश हुई कि जिन मुजरमों को वो अरसे से तलाश कर रहे थे स्मगलर्स को, वो उन्हें नहीं मिल रहे थे, आज इन स्काउट्स की वजह से, स्काउट मास्टर की वजह से जो है वो मुजरिम जो है वो उनके हाथ में आ गए। वो स्मगलिंग करते थे, समंदर से कीमती जानवर जो है वो चुरा कर बाहर स्मगल करते थे। कैप्टन जो है वो बहुत खुश हुआ, उसने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उन्होंने कहा मुझे सारी तफसील बताओ कि आपने किस तरह से स्मगलर्स को ढूँढा और आपने जो है स्मगलर्स को ढूँढ कर हमारे काम में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दी। नाउ आई एक्सप्लेन द चैप्टर पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 में बता रहे हैं कि उन्होंने जब स्मगलर्स को पुलिस के हवाले कर दिया था, पुलिस ने खुश होकर स्काउट मास्टर को और स्काउट मास्टर के जो स्काउट्स थे उनको बहुत सारा इनाम दिया और इनाम के तौर पर उनको बहुत सारी चीज़ें दी और उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, हमें स्मगलरों का पीछा करने की परेशानी से दूर रखा और उन्होंने स्मगलर्स को वो पकड़ के ले गए। उन्होंने स्मगलिंग पुलिस को बुलाया और उनके हवाले कर दिया। ये एक ज़बरदस्त कारनामा था और ये सीवी जो है वो दो वजह से मशहूर है, एक स्मगलरों की वजह से और एक वहाँ से सोना मिलने की वजह से। कैप्टन और उसके स्काउट ने कहा कि ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर सब लोग बार बार आना चाहेंगे। अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, आप ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा और वन पेज राइटिंग जो है वो आप इसकी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।